जिले में खाद के लिए मचा हाहाकार, खाद माफिया कर रहे हैं जमकर कालाबाजारी। विभाग को नहीं है कोई खबर। माड़ा पुलिस ने ट्रक सहित लाखों की खाद की जब्त, मचा हड़कंप। बरसात शुरू होते ही खेती किसानी भी शुरू हो चुकी है और खाद नहीं आने से भारी किल्लत शुरू हो गई है। रेलवे द्वारा रैक नहीं लगने से रीवा सतना सीधी सिंगरौली के सरकारी गोदाम खाली है। तकरीबन 3000 मैट्रिक टन खाद सिर्फ सिंगरौली जिले की आवश्यकता है, लेकिन खाद माफियों को खाद कहां से मिल रही है, यह बड़ा सवाल गूंज रहा है। मार्केट में बिकने वाली खाद किसानों को मनमाने दाम पर मिल रही है। जिम्मेदार अफसरों को खाद के ब्लैक मार्केटिंग की कोई भनक नहीं लग रही है। बरसात शुरू होते ही खाद माफिया भी एक्टिव हो गए हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल TI नागेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस चौकी बंधोरा को निर्देशित किया और चौकी प्रभारी प्रियंका मिश्रा के साथ टीम ने खाद से भरे ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक में 360 बोरी खाद लोड थी, जिसे जब्त किया गया है। पुलिस की कार्यवाही के बाद हड़कंप मचा हुआ है। यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर होने की वजह से खाद माफियों के नेटवर्क जिले में फैले हुए हैं। रात के समय चौकी बंधौरा क्षेत्र में एक ट्रक क्रमांक UP64KT7609 को रोक करके चेक किया गया था, जिसमें कि 360 बोरी यूरिया खाद पाई गई थी। जांच में ये पाया गया कि वह देवसर से 660 बोरी यूरिया लेकर के चला था, लेकिन जहां पर उसको पूरी यूरिया उतारनी थी वहां पर न उतार करके उसने 360 बोरी दूसरी जगह उतार रहा था। इस पर से राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग के द्वारा जांच कराने के बाद इसमें धारा 3/7 ECF की कायमी कर ली गई है और पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।